जम्मू कश्मीर प्रशासन कश्मीर घाटी में हालात सामान्य होने के दावे बेशक कर रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। महज दो हफ्ते के भीतर पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के सेब कारोबारियों पर आतंकी हमले हुए हैं, जबकि 3 ट्रक ड्राइवरों की हत्या हो चुकी है। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों की सख्त पहरेदारी है, लेकिन सेब के कारोबारियों, किसानों और ड्राइवरों पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। शोपियां में एक बार फिर 2 ट्रक ड्राइवरों की हत्या कर दी गई और सेब से लदे 3 ट्रकों में आग लगा दी गई। ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि उन्हें अपना और परिवार का पेट पालने के लिए मजबूरी में कश्मीर घाटी में आना पड़ता है। ड्राइवरों ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से सुरक्षा देने की मांग करने के साथ साथ चरमपंथियों से उन पर हमला न करने की अपील की है। गवर्नमेंट को तो यही कहना चाहता हूँ, बाबू जी कैसे ड्राइवरों की सेफ्टी करो। ड्राइवर तो वैसे भी केबिन में चलता है, गाड़ी चलाता है, वो सेफ्टी में नहीं रहता है। वो तो ऊपर वाले से दुआ हरफम मान के ही चलता है, वो हरफम सेफ्टी में वो भी नहीं है, परंतु खड़ा हो जाता है तब भी सेफ्टी में नहीं है, तो फिर क्या कहना चाहते हैं। बहुत बड़ी हालत गंभीर है भाई। मैं गाड़ी लेके कश्मीर से लेने के लिए आया हूँ। यहाँ बहुत दहशत है, कल भी 3 गाड़ियों को जला दिया, 2 ड्रावर को मार दिया गया, पहले भी ड्रावरों को मार दिया गया। ड्रावर लोगों को क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? ये पेट पापी है, पेट के लिए यहाँ आते हैं, 2 रुपया कमाने के लिए। इन गरीब लोगों को क्यों मारा जा रहा है, है तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे भाई, आप लोग गाड़ी वालों को टारगेट मत बनाओ, गाड़ी वालों के पास कुछ नहीं है, ये तो आप पेट के लिए यहाँ आ रहे हैं। जिन ट्रक ड्राइवरों की हत्या की गई है उनकी शिनाख्त राजस्थान के इलियास खान और पंजाब के बख्शीश सिंह के रूप में हुई है। पिछले 2 हफ्ते में सिर्फ शोपियां में सेब कारोबारियों और ट्रक ड्राइवरों पर हमले बढ़े हैं। पिछले हफ्ते चरमपंथियों ने पंजाब के एक कारोबारी चरणजीत सिंह और ट्रक ड्राइवर शरीफ खान की हत्या कर दी थी। इस हमले में एक अन्य कारोबारी संजीव कुमार बुरी तरह जख्मी हुए थे। चरमपंथियों ने शोपिया के किसानों पर भी हमले किए हैं। ये हमले जम्मू कश्मीर प्रशासन के सुरक्षा के दावों की पोल खोलते हैं। अभी तक हमलों की जिम्मेदारी किसी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन दहशतगर्दी की वजह से सेब का कारोबार लगभग ठप पड़ा हुआ है। कश्मीर से हर साल सेब का कारोबार हजारों करोड़ का होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।